हेलो फ्रेंड्स और हमारे प्रिय छात्रगण, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा चैप्टर जारी है झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के संदर्भ में। हम लास्ट पॉइंट आपको बताए थे कि बिहार विधानसभा द्वारा 22 जुलाई 1997 को अलग राज्य निर्माण के गठन का एक संकल्प पारित किया गया था। छात्रगण, उसके पश्चात हम देखेंगे कि 1998 से इस राज्य निर्माण की कौन कौन सी घटना घटी। छात्रगण, उसी नोट्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 1998 ईस्वी में केंद्र में मौजूद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक तैयार किया। जिसमें बिहार के 18 जिलों को मिलाकर ब्रांचल राज बनाने की बात कही गई थी। जिसमें 18 जिलों को मिलाकर ब्रांचल राज्य बनाने की बात कही गई थी, परंतु 1998 ईस्वी में ही बिहार विधानसभा ने इस विधेयक को नामंजूर कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के संदर्भ में सन 2000 में एक महत्वपूर्ण घटना घटी जब राष्ट्रीय जनता दल के मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी की सरकार अल्पमत में आ गई थी। ऐसे में कांग्रेस एवं अन्य दलों के समर्थन लेने के संदर्भ में यह सरकार झारखंड राज्य पुनर्गठन विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी।
कर दी। ऐसे में कांग्रेस के दबाव में राबड़ी देवी ने राबड़ी देवी ने 25 अप्रैल सन 2000 को पृथक झारखंड राज्य विधेयक बिहार विधानसभा द्वारा स्वीकृत कर लिया गया स्वीकृति प्रदान की गई। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार विधानसभा द्वारा झारखंड राज्य पुनर्गठन विधेयक को लोकसभा में 2 अगस्त सन 2000 को लोकसभा में और राज्यसभा ने 11 अगस्त सन 2000 को पारित कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, दोनों सदनों के पारित विधेयक को 25 अगस्त सन 2000 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर के आर नारायणन ने झारखंड राज्य विधेयक पर हस्ताक्षर कर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को 25 अगस्त सन 2000 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायणन ने झारखंड राज्य पुनर्गठन या विधेयक पर हस्ताक्षर कर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। इस समय देश के प्रधानमंत्री एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट पॉइंट, 25 अगस्त सन 2000 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात 25 अगस्त सन 2000 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात के पश्चात 15 नवंबर सन 2000 को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के दिन
पृथक झारखंड राज्य देश के पृथक झारखंड राज्य देश के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया जिसका प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी चुने गए। एवं प्रथम राज्यपाल के रूप में श्री प्रभात कुमार को मनोनीत किया गया। इस प्रकार झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन लगभग 90 सालों के बाद समाप्त हो गया। तो छात्रगण, जेपीएससी पीटी पेपर 2 में सिलेबस का एक चैप्टर है झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के संदर्भ में। हमने सारे एक एक पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से जो सबसे महत्वपूर्ण है उस बातों को समझा, सुना, लिखा। छात्रगण, मैंने देखा कि झारखंड आंदोलन की सुगबुगाहट तो उसी दिन से प्रारंभ मानी जाती है जिस दिन बंगाल से बिहार उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। देखा जाए तो यह भारतीय इतिहास का सबसे लंबा आंदोलन था, इसे पूरा होने में 90 सालों का समय लग गया। यद्यपि झारखंड राज्य के पृथक राज्य के रूप में अगर कोई जन्मदाता माना जाएगा तो है जे बार्थेलोमेन, जिसकी शुरुआत उन्होंने बीजारोपण उन्होंने ढाका से किया। जब उन्होंने ढाका छात्र संघ की एक शाखा रांची में और हजारीबाग में खोली और तत्पश्चात उन्होंने क्रिश्चियन स्टूडेंट यूनियन की स्थापना भी 1912 में रांची में की। जबकि बाद में इसका नाम 1915 में झारखंड उन्नति समाज रख दिया गया। छात्रगण, हमने देखा कि इस आंदोलन का एक ठहराव का दौर था 1963 से 1973, लेकिन जब शिवाजी समाज के विनोद बिहारी महतो और सोनेत संथाल समाज के शिवू सोरेन ने जब जेएमएम की स्थापना की, जिसका चिन्ह तीर धनुष है, स्थापना से आंदोलन पुनः जोर पकड़ा। इस दौरान विभिन्न आंदोलन चलते रहे और चलने के पश्चात विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा एक झारखंड समन्वय समिति गठन किया गया। इसके प्रथम संयोजक बनाए गए। बाद में हमने ये भी देखा कि जब सरकार राबड़ी देवी अल्पमत में आ गई तो कांग्रेस के दबाव में और अन्य दलों के समर्थन इसी शर्त पे दी कि अगर आपने मुझे समर्थन दिया तो हम ये झारखंड राज्य पुनर्गठन विधेयक बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक जिसमें झारखंड अलग होने की बात कही गई थी उसे अलग करने का विधेयक पारित कर दूंगी, और उन्होंने कर दिया। जब बिहार पुनर्गठन विधेयक झारखंड संदर्भ में अलग होने के बाद विधेयक पारित कर दिया गया तो उस विधेयक को लोकसभा में 11 अगस्त मतलब राबड़ी देवी ने 25 अप्रैल सन 2000 को
लोकसभा ने 2 अगस्त को, राज्यसभा ने 11 अगस्त को, राष्ट्रपति ने 25 अगस्त को इसे स्वीकृति प्रदान तो कर दी, परंतु राज गठन का फैसला लिया गया 15 नवंबर सन 2000 को 28वें राज के रूप में, जिसके प्रथम मुख्यमंत्री माननीय श्री बाबूलाल मरांडी और प्रथम राज्यपाल माननीय श्री प्रभात कुमार को चुना गया। छात्रगण, मैं समझता हूँ जेपीएससी पीटी पेपर 2 झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के संदर्भ में अब अगर प्रश्न आता है तो आप उसका जवाब एकदम सटीक रूप से दे पाएंगे। ओके, थैंक यू।